गाजियाबाद में कविनगर थाना इलाके की पवन हत्याकांड को लेकर मृतक पवन का परिवार एवं कांग्रेसियों का एक दल एसएसपी ऑफिस पहुंचा और वहां जाकर एसएसपी से पूरे घटनाक्रम को बताया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मंत्री सतीश शर्मा, जिलाध्यक्ष विजेंद्र यादव, कांग्रेस के पूर्व मेयर डोली शर्मा ने भी एसएसपी से मुलाकात की और पवन हत्याकांड को लेकर रोष जताया। उन्होंने बताया कि एसएसपी ने इस हत्याकांड के खुलासे के लिए 3 दिन का समय दिया है, 3 दिनों में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। जैसा भी विजेंद्र जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सबको महानगर अध्यक्ष और सारे पदाधिकारियों को लेकर आज पवन शर्मा वाले में करना हम लोग इसमें देखने को ये मिला है कि 4 तारीख से वो गायब है, जबकि कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है तो पूरे जनपद को सूचना देनी होती है। और 6 तारीख को जब डेड बॉडी मिली तो पुलिस का एक कर्तव्य हो जाता है कि वो आसपास के जनपदों को और अपने जनपद के तमाम हेडक्वार्टर को उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और जो गुमशुदगी होती है उसके परिजनों को भी सूचना दी जाती है कि आकर के यह देखें कि ये आपका तो नहीं है। इसको लेकर के आज एसएसपी महोदय को ज्ञापन दिया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने और रिपोर्ट मांगी है कि इसकी पूरी जांच करके ज्ञापन देकर के हमें बताइए कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। देखिए, प्रशासन की पूरी इसमें लापरवाही रही है और उन्होंने इतना बड़ा केस नज़रअंदाज किया है, कहीं से जैसा इन्होंने कहा कहीं से प्रशासन कुछ सबक ही नहीं सीख रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग मारे जा रहे हैं और उनको इसी तरीके से लवारिसों में पता नहीं कितनों को जलाया जा रहा होगा इस तरीके से। क्या वजह मानते हैं कि क्राइम ग्राफ इतना बढ़ रहा है? देखिए, ये पूरा का पूरा ये जो भाजपा सरकार है ये सरकार आंख बंद करके बैठी है, ये आम जनता के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आम जनता के लिए होती यूपी पुलिस टैग है सिंभावली की वो जो दिखाई उसके बावजूद भी उन लोगों की आंखें नहीं खुली।